नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज गिवन एज 30। नेक्स्ट अभी और क्या दिया हुआ है कि ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ई होगा, ये कुछ सेपरेट साइड होगा वो हमें पता नहीं है। ठीक है, बट ये दोनों इक्वल साइड हमें पता है विच इज गिवन एज। तो हम ले सकते हैं कि ए को हम ले लेंगे 12 सेंटीमीटर, बी को भी हम ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। सी हमें पता नहीं है, ठीक है जी, सी हमें पता नहीं है। तो थर्ड साइड अननोन है बट वी नो द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर पता है और तीनों साइड में से एक अननोन है तो इसलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हमें करना पड़ेगा देखिए, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए है हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट सी इक्वल टू 12 प्लस 12 होता है 24, सो 30 में से 24 निकाल दो, सो विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो थर्ड साइड है वो आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों साइड हमें मिल गया, हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज वी हैव टू डू बाई हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उससे पहले एस निकाला है, एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी बाई टू विच इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड डिवाइडेड बाई टू। सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 बाई 2। वरना अगर ये आपको अवॉइड करना है तो डायरेक्टली पेरीमीटर हमें पता है 30 बाई 2 कीजिए। ठीक है, तो सेम ही होगा, 12 प्लस 12 प्लस 6 करो या भाई 30 बाई 2 करो, सेम ही थिंग है, विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो हमें एस भी मिल गया 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज नथिंग बट एस इज एस स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो एस हमारे पास है 15, सो 15 इंटू 15 माइनस 12 करेंगे हम, इंटू 15 माइनस 12, अगेन 15 माइनस 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी ये हम करेंगे सिंप्लीफाई, सो क्या हमारे पास आएगा आंसर, 15 इंटू 15 माइनस 12 कितना होता है 3, इंटू 15 माइनस 12 अगेन 3, इंटू 15 माइनस 6 कितना होता है 9। ठीक है जी, अभी देखिए यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स नहीं है ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 15 को मैं ले सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को मैं ले सकता हूँ 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे ये पैर बना लीजिए, है कि नहीं, तो जैसे ही आप पैर बनाओगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 है, इसका कोई पैर नहीं है, पैर का मीनिंग है 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये 3 इंटू 5 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 को मैं वैसे लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इससे क्या फायदा होता है, ये 3 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट हम लेंगे तो कैंसिल होके 3 बचा रहेगा। ठीक है, तो ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15 हो जाएगा, तो रूट 15। ठीक है, बाहर में क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो ये जो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 9 कैसे निकाल लिखा मैंने, 3 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होगा और यहाँ पे भी एक और 3 स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट 3 होगा, सो 3 इंटू 3 वो बाहर निकल के आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 5, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,